जय महाकाल दोस्तों। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो अपने दुश्मनों से परेशान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके दुश्मन जीने नहीं दे रहे हैं। उनकी जिंदगी में बार बार कोई ना कोई परेशानी खड़ी करते रहते हैं जिसकी वजह से उनके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जा रहे हैं, कोई आपकी बार बार जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर रहा है, आपके ऑफिस के कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर आपके घर के पास अगर कोई ऐसा है, या फिर आपके स्कूल का कोई दोस्त जो कि अब दुश्मन बन चुका है आपका, और आपकी हर कामयाबी देखकर उसे आपसे जलन होती है जिसकी वजह से वो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर रहा है। कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर आपको परेशानियां ही आती जा रही हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा ही दुश्मन का खात्मा करने वाला अघोरी वशीकरण मंत्र जिसके द्वारा आप अपने दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं, दुश्मन का सर्वनाश कर सकते हैं, उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों ये जो क्रिया है इसके जरिए आपका दुश्मन मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चला जाता है। वो आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं खड़ी कर पाता और वो आपको भूल जाता है पूरी तरह से, जिससे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से शांति से चलने लगती है। तो क्या है ये क्रिया, मैं आपको बताती हूँ पूरी डिटेल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों इस क्रिया को करने के लिए आपको इस तरह की एक गुड़िया लेनी होगी जो आप घर पे भी बना सकते हैं, या फिर आपको किसी भी दुकान पर जो मंदिर के आसपास दुकानें होती हैं वहां पर मिल जाएगी। काले कपड़े की ये गुड़िया इस क्रिया को करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस गुड़िया को लेकर आपको शमशान घाट में जाना होगा। शमशान घाट पर आपको शनिवार की रात 2 बजे के बाद जाना है। 2 बजे आपकी क्रिया शुरू हो जानी चाहिए, तो आप थोड़ा पहले पहुंचकर वहां पर अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रिया को करने के लिए आपको कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। जब आप शमशान घाट पर जाएं तो अपने साथ एक मिट्टी का दिया, सरसों का तेल, रुई, कपूर, हल्दी और कुमकुम लेकर जाएं, और साथ में एक चाकू भी ले जाना होगा। दोस्तों शमशान घाट में पहुंचने के बाद आपको एक चाकू की सहायता से गोला बनाना है और उस गोले के अंदर खुद बैठ जाना है। अपने सामने आपको ये गुड़िया रखनी होगी और इसके ऊपर आपको हल्दी कुमकुम चढ़ाना होगा। इसके चेहरे पर जो ये इसका सिर बना हुआ है यहाँ पर आपको हल्दी कुमकुम लगा देना है। उसके बाद गुड़िया को सामने रखकर आप बैठ जाइए। अपने सीधे हाथ की तरफ आपको कपूर जलाना है और उल्टे हाथ की तरफ आपको मिट्टी का दिया, उसमें सरसों का तेल डालकर रुई की बाती बनाकर उसमें जलाना है। ये क्रिया करने के बाद दोस्तों आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। 108 बार मंत्र का उच्चारण आप माला की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 108 चावल के दाने ले जाइए और उस चावल के दाने से आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको बुढ़िया को उठाना है और उसके सिर पर आपको फूंक देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप गुड़िया के ऊपर फूंकेंगे उसके बाद आपको वहां पर 1 फुट का गड्ढा खोदना है चाकू की सहायता से, और गुड़िया को उस गड्ढे के अंदर दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, और दिया जो आपने रखा था मिट्टी का दिया वो उस गड्ढे के ऊपर आपको रख देना है। वहां से आपको खड़े होना है और पीछे पलट कर सीधा अपने घर की तरफ चले जाना है। पीछे पलट कर दोस्तों बिल्कुल नहीं देखना है। आपका नाम लेकर भी अगर कोई पुकारे तो भी आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। सीधे अपने घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर आपको कपड़े बदल लेने हैं, और दोस्तों सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास ये खबर आएगी
कि आपके दुश्मन का नाश हो चुका है, या फिर वो दुश्मन वो शहर छोड़कर जा चुका होगा, या फिर आपकी जिंदगी से बाहर जा चुका होगा। इस बात का कंफर्मेशन आपके पास जरूर आएगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अघोरी वशीकरण आज मैंने आपको बताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वशीकरण क्रिया में मंत्र कौन सा बोलना है, तो हमारे नंबर पर कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप वो मंत्र जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई और सवाल है आपका, कोई और शक है आपके मन में, उसे पूरा करने के लिए, उसका जवाब जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।